और है आज 13 रजब, मौला अली का जन्मदिन यानी कि उनका विलादत का दिन। तो अभी को लाइट आ गई, तो अभी हम बनाएंगे मीठी टिकिया जिसपे हमें नियाज दिलानी है। तो अभी चलते हैं, टिकिया बनाने की तैयारी करते हैं। तो ये देखो, आज है बदली, मौसम ठंडा है। तो ये हमने बेसन ले लिया क्योंकि अभी बनेगी बेसन की रोटी। और ये है पानी जिसको हमने गर्म कर लिया है क्योंकि बाहर बहुत ठंडा है, इस वजह से जो है पानी को गर्म किया गया है। इसको सानेंगी अम्मी। हाँ, वो वाला यूज़ हो चुका। ये थोड़ा सा बेसन ये पहले से रखा हुआ था, ये है आशीर्वाद का, और ये कौन सा है, ये नूरिश का है, चना बेसन। तो अब इसको पहले ये वाला निकाल लेते हैं, कम पड़ेगा तो इसमें से निकाल लेंगे। तो ये इतना अभी इसमें से निकला, ये कम है तो थोड़ा सा इसमें से निकालेंगे। तो आज कल से ठंड भी बहुत ज़्यादा है, आज भी ठंड बहुत ज़्यादा है, और लाइट सुबह से आ रही है, जा रही है, 10-15 मिनट क्या, 10-15 सेकंड भी लाइट नहीं रुक रही है। अभी फ़िलहाल लाइट आ चुकी है। देखो, है बेसन की रोटी जो अम्मी बना रही हैं, क्योंकि बेसन की रोटी अच्छी बनती है चूल्हे पे, हमारे यहाँ चूल्हा है नहीं तो गैस पे ही बन रही है, रोटी जैसी बन रही है, तो ये चटनी के साथ खाई जाएगी। तो घी जो है जम गई थी, तो इसको अभी इसमें गरम कर रहा हूँ। और ये हमारी चीनी, और इसमें गरी भी डाल दी थी, नारियल, उसको अच्छे से पीस लिया है। और इधर हमने लिया है पोस्ता का दाना, थोड़ा सा इलायची पाउडर, और ये है तिल, हमने यहाँ ले लिया है मैदा, इसको अच्छे से चाल लेते हैं पहले। तो इसमें मैदा है, गरी है और चीनी है, और अब ये इलायची पाउडर और ये पोस्ते का दाना हम डाल देंगे इसमें। तो थोड़ी सी तिल हम अंदर से डालेंगे, अभी बाद में बाहर से चिपका कर डालेंगे। इसमें हम लेंगे ये 1 चम्मच अरारोट, अरारोट नहीं होगा तो आप ये कॉर्नफ्लोर यूज़ कर सकते हैं, तो मैं, मेरे पास अरारोट नहीं है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। ये 1 चम्मच के करीब है तो मैं इसको इसमें डाल दूंगा। और आधे चम्मच के करीब लेंगे हम ये बेकिंग पाउडर। तो हमने ये आधा चम्मच के करीब ले लिया बेकिंग पाउडर, ज़्यादा नहीं लेंगे वरना ये अच्छा नहीं होगा, ख़राब हो जाएगा। तो अभी आधा ही चम्मच लिया है। तो इसमें सारे इंग्रेडिएंट जो सारी सामग्री थी उसको अच्छे से डाल दिया, अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। मिलाने के बाद फिर इससे घी से इसको मोइन करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम घी। तो ये सब अच्छे से मिल चुका है, और ये है दूध, इसको अब हम इसी दूध से सानेंगे इसको अच्छे से। तो हमारा ये आटा अच्छे से हमने गूंथ लिया है, अब इसको 10-15 मिनट रखेंगे। इधर ये है नाटे और राजू, इधर हीटर की हवा खा रहे हैं अम्मी के साथ बैठकर। तो आज सुबह से लाइट बहुत मर रही है, लाइट आ जा रही है, और आटा गूंथ लिया, जब तक वो सेट होगा तब तक हम चलते हैं, 10-15 मिनट लगेगा सेट होने में, तब तक हम चलते हैं जोहर की नमाज़ पढ़ने। हमने वज़ू बना लिया, आज वज़ू बना के ये बैठ गया, ठंड बहुत हो रही है, तो क्योंकि नमाज अभी भी बिल्कुल हो गई है, 1:48 हो रहे हैं और 1:30 पे है, मस्जिद है अभी खाली। अभी चलते हैं नमाज पढ़ने। तो ये है टाइम टेबल अभी का मस्जिद का। तो हमारी नमाज हो चुकी है, अब हम चलते हैं घर। तो अभी लगी है भूख, तो ये है बेसन की रोटी और चटनी, पहले इसको खाएंगे फिर उसके बाद बनाएंगे खस्ता, मीठी टिकिया। खाओगे? खाओगे? कैसे घूर रहा है? इसको अच्छे से बेल लिया, और इसकी मदद से हमने इसको गोल गोल काट लिया है, अब इसको अच्छे से निकाल लेंगे। अब ये सप्ले का मतलब क्या है बताओ फिर?
ऐसे दो तैयार कर लिया, फिर उसके बाद इसको रख दिया इधर। इधर हमने डाल दिया ऐसे तिल। ये तिल ऐसे डालने के बाद फिर ये दो इस पे ऐसे रख कर, तो इस पे अच्छे से तिल लग जाएगा। जैसे ये देखिए इस पे लग गए हैं। तो ये है गोल टिकिया और ये है चौकोर। इधर हमारा इसमें रिफाइंड तेल है तो ये गर्म हो चुका है। थोड़ा इसको स्लो करेंगे क्योंकि बहुत तेज है। अब इसमें हम पहली टिकिया डालेंगे, बिस्मिल्लाह। दूसरी भी डालेंगे आप, तीसरी भी डाल देंगे इसमें, चौथी भी। ऐसे करते करते जितनी इसमें आ जाए हम उतनी इसमें डाल देंगे फ्राई होने के लिए। हमारी मीठी टिकिया जो खस्ता है बनकर होके है तैयार। ये इतना हमने फातिया के लिए निकाला है, नियाज के लिए। तो अभी असर की अज़ान हो चुकी है, अब इसकी फातिया करवा देते हैं हम लोग। हाँ हाँ ताजा है वो। तो खाना पीना हो चुका है और अभी इधर चल रहा है बिग बॉस, इसके बाद फिर सोने का टाइम हो जाएगा। Bye.